हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल रहेंगे वो इन्हीं से मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, पॉलिटिक्स शब्द की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु या एरिस्टोटल ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। और इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की परिभाषा कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता द्वारा परतंत्र राष्ट्र अपने शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया है। साम्राज्य से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्र ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जैसे भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से मुक्त के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, प्राकृतिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्राकृतिक ने सभी व्यक्तियों को समान रूप में बनाया है, अतः सभी समान है। इस प्रकार से सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, शोषण का क्या अभिप्राय है? शोषण का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम लेना या उसके बदले में उसे उचित या पारिश्रमिक राशि ना देना, उसका शोषण करना कहलाता है। तो इसका आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में हम लोग देख लेते हैं, अधिकार के किन्हीं चार प्रकारों को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, नैतिक अधिकार, दूसरा में हो जाएगा समानता का अधिकार, तीसरा में हो जाएगा आर्थिक अधिकार और चौथा में हो जाएगा मानव अधिकार। हम लोग जान लें 7 का भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत सामान्यतः मानव जाति, उसके द्वारा संगठित समाज और इतिहास तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है, अर्थात राजनीतिक विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में प्रतिबंधित करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछ रहा है, राजनीतिक शब्द की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दो शब्दों का एक समूह है, पहला राज्य प्लस नीति। राज्य मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी हम लोग जान लिए। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछेगा और उसी प्रकार आप लोग को आंसर देना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में पूछ रहा है, शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौम अधिकार माना गया है, क्यों? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, शिक्षा को सार्वभौम अधिकार इसलिए माना गया है क्योंकि आज के दिनों में शिक्षा के बिना किसी भी प्रकार का कार्य संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तथा शिक्षा से व्यक्ति का संपूर्ण कल्याण जुड़ा है, इसलिए शिक्षा को सार्वभौम अधिकार माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, भारत में मतदान के अधिकार के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई? भारत में मतदान के
अधिकार के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भारत में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। पहला हम लोग जान लेते हैं भारत का नागरिक हो, दूसरा में 18 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, और तीसरा में मतदान सूची में नामांकन हो। तो हम लोग आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 11 का भी जान लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा समानता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अर्थ है कि किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं तथा आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे समानता कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर जान लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कर्तव्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक राज्य या समाज जिन उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों को अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने की आशा करते हैं और उनकी यह अपेक्षा होती है कि अच्छे नागरिक उपरोक्त कार्य समाज और राज्य में करेंगे ही या करना ही चाहिए, उसे कर्तव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य किसे कहते हैं, क्या बिहार एक राज्य है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। राज्य एक ऐसे जन समूह को कहा जाता है जिसकी अपनी सरकार होती है और एक निश्चित भूभाग में बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्र पूर्वक विचरण कर सके। अब प्रश्न यह है कि क्या बिहार एक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी राज्य तब तक राज्य नहीं कहलाता है जब तक उसकी अपनी संप्रभुता ना हो, अर्थात बिहार एक राज्य नहीं है बल्कि संघ की इकाई है, उसके पास जनसंख्या भूभाग और सरकार सब कुछ है परंतु इसकी अपनी संप्रभुता नहीं है, इसलिए यह राज्य नहीं कहलाएगा। तो हम लोग इसका भी आंसर जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ समानता के कितने प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानता के निम्न 5 प्रकार है। पहला हो जाएगा नागरिक समानता, दूसरा हो जाएगा सामाजिक समानता, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक समानता, और चौथा हो जाएगा प्राकृतिक समानता, और पांचवा हो जाएगा आर्थिक समानता। तो इसका भी आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विकास सूचकांक किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाव्यता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है, उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो हम लोग जान लिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है विकास की अवधारणा में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, इसका एक नकारात्मक प्रभाव बताएं, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं विकास की अवधारणा में आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन विकास की अवधारणा में आर्थिक उन्नति के कारण देश के गरीब लोग और अमीर लोग में काफ़ी भेदभाव देखा जा रहा है तथा अधिकतर देशों में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन को हम लोग जान गए, और सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग को और सारे किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को चाहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।